हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। सो T20 सीरीज शुरुआत करते हैं। आज कुछ हमारे जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल पोर्टल सुरक्षा ऑन ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। अब वो पूछेंगे आपसे कि सुरक्षा पोर्टल किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट पूछेंगे सुरक्षा पोर्टल किससे रिलेटेड है, याद रखना किससे, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। वो ये भी पूछ सकते हैं कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। जब वो उल्टा पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो भी लेटेस्ट लॉन्च किया है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट पे पोर्टल, उसका नाम क्या है, तो नाम है सुरक्षा। क्लियर है, आगे देखते हैं। रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय मॉस्को's गैमले इंस्टीट्यूट। पहले तो खुशखबरी है सबके लिए कि COVID-19 की वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आई होप ये अब बिल्कुल WHO से अप्रूवल मिल जाए ताकि जल्दी से वैक्सीन आ जाए। तो आपको याद ना कि किस कंट्री ने सबसे पहले कराई, रशिया ने सबसे पहले कराई है। किसने डेवलप की थी, गैमले इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, कहाँ पे, मॉस्को में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इज सेट टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम मुलानपुर न्यू चंडीगढ़ पंजाब आफ्टर द महाराजा यदविंद्र सिंह। महाराजा यदविंद्र सिंह वॉज द फादर ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। ही वॉज द 9th एंड लास्ट महाराजा ऑफ पटियाला। अब वो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि लेटेस्ट जो अभी नेम चेंज करके महाराजा यदविंद्र सिंह पे रखा गया, ये किसका, इसका ओरिजिनल नाम क्या था। यार ना, मुलानपुर न्यू चंडीगढ़ पंजाब। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट ने किया, किस क्रिकेट एसोसिएशन ने किया, तो याद ना पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने नेम चेंज किया। और ये कौन थे, हमारे 9th और लास्ट महाराजा थे पटियाला के। ठीक है, आगे देखते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च N3 वार्ड। वो पूछेंगे N3 वार्ड किसने लॉन्च किया है, क्या चीज़ है, किसने लॉन्च किया है, ये किसने किया, NPCI ने लॉन्च किया। क्या है, क्या चीज़ है, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिटिक्स एनेबल्ड ओमनी चैनल है, जो एक मल्टी ब्रांड चैनल है, ओमनी चैनल है इंटेलिजेंस पे, किस पे, बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पे। ये किसके लिए, बेसिकली ये एक तरह की बैंक्स के लिए लाया कि बैंक्स उस चैनल को यूज़ करके क्या कर सकें, अपने कस्टमर्स को ग्रो कर सकें। ठीक है, वो पूछेंगे किसके लिए है, तो याद नहीं, बैंक्स के लिए है। ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ देयर कस्टमर। ठीक है, अब किसने लॉन्च किया N3 वर्ड, NPCI ने लॉन्च किया है, क्या बेसिकली इंटेलिजेंस एनालिटिकल टूल है। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी लॉन्च सबमरीन केबल कनेक्टिविटी अंडमान निकोबार। अब वो सीधा पूछेंगे कैनी किससे रिलेटेड है, CANI कैनी किससे रिलेटेड है। याद ना क्या है, एक तरह की सबमरीन केबल कनेक्टिविटी कहाँ पे की गई, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है बेसिकली कनेक्टिंग चेन्नई तमिलनाडु एंड पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड। बेसिकली क्या किया गया, एक तरह की ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई जो किसको कनेक्ट कर रही है, चेन्नई को, तमिलनाडु को और पोर्ट ब्लेयर को। और पूछ सकते हैं कि कैनी किसको कनेक्ट कर रही है, तो आप ये नाम याद रखें, कैनी किसको कनेक्ट कर रही है और कैनी किससे रिलेटेड है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 6th वन, ऑन August 9th, 2020 पीयूष वेद प्रकाश गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइंस डेडिकेटेड रेलवे म्यूजियम एट हुबाली। याद ना कि रेलवे म्यूजियम कहाँ बनाया गया, हुबाली बनाया गया है। ठीक है, हुबाली कहाँ बेटा, कर्नाटका में। द रेलवे म्यूजियम एट हुबाली इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ कर्नाटका। ये नॉर्थ कर्नाटका में पहला है और सेकंड है, ये साउदर्न वेस्टर्न रेलवेज का सेकंड है, किसके बाद, रेलवे म्यूजियम एट मिसूरी। पहला कहाँ था, रेलवे म्यूजियम मिसूरू में। अब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी रीजन्स का नाम देखे साउदर्न में या कर्नाटका के, कि इनमें से किस में रेलवे म्यूजियम बना हुआ, तो याद ना मिसूरू में और कहाँ पे बेटा, हमारे हुबली में। ठीक है, अब यहाँ से और भी चीज़ की हमें क्या पता लगती है कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं कौन है, पीयूष वेद प्रकाश गोयल। ठीक है, ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, वहीं जो हमारे प्रहलाद जोशी हैं, ये क्या है बेटा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, साथ में कोल्स एंड माइंस के मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 7th, द बुक टाइटल कोरोना कवथिकल रिपब्लिक डे 2020 एंड द स्पीक्स द गवर्नर ऑथर बाय मिजोरम गवर्नर रिलीज्ड। अभी तीनों बुकों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका ऑथर कौन है, PS सिरधारा पिल्लाई। ये क्या है बेसिकली, ये गवर्नर है किसके, मिजोरम के। तो दो क्वेश्चन आपके सबसे पहले बुक्स के नाम याद रखने हैं, कि कोई पूछ सकते हैं ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ पूछ सकते हैं कि मिजोरम के गवर्नर कौन, आपको यहाँ से पता लग जाएगा, PS सिरधारा पिल्लाई। ठीक है, क्लियर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी कानपुर इन कोलेबोरेशन विद एगिलिस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप एट आई टी कानपुर डेवलप्ड इंडिजिनियस सीड बॉल नेम्स बीज।
अब वो पूछेंगे कि बीज किसने डेवलप किया और बीज किससे रिलेटेड है, एक तरह के सीड बॉल है बेटा, ठीक है। किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर, और उसके साथ एक स्टार्टअप था जिसका क्या नाम है, एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वो किसी आईआईटी का नाम से पूछ सकते हैं किस आईआईटी ने डेवलप किया और ये बीज किससे रिलेटेड है। एक तरह के क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड सीड बॉल्स हैं जो किसके लिए प्रोडक्ट में काम आएंगे, फार्मर्स की हेल्प करेंगे, ठीक है। नाइन्थ देखते हैं, रेड बुल्स 22 ईयर ओल्ड ड्राइवर मैक्स इमिलवेन वेस्टरैपन फ्रॉम नीदरलैंड हैड वन F170th एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स। अब वो पूछेंगे कि किसी ने अभी ये F170th एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स का टाइटल जीता है, तो क्या नाम है, मैक्स इमिलवेन वेस्टरैपन। ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड के हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किसको करते हैं, ये एक तरह के फर्स्ट नॉन मस्टर्ड मर्सिडीज ड्राइवर हैं जो ये रेस को जीते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेड बुल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और याद रखना कि बिकम द फर्स्ट नॉन मर्सिडीज ड्राइवर टू विन द रेस इन 2020, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुई थी बेटा, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी चैंपियनशिप, ठीक है। आगे देखते हैं, टेंथ, PM इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कॉमा लॉन्च गंदगी मुक्त भारत वीक लॉन्ग कैंपेन। क्या चीज़ें हैं PM में, क्या दो चीज़ें लगी, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और गंदगी मुक्त भारत कैंपेन को लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र क्या है, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ऑन स्वच्छ भारत मिशन, एक तरह का इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पे एट गांधी स्मृति एट दर्शन स्मृति एट राजघाट। कहते हैं कि राजघाट में एक तरह का ये क्या लॉन्च किया है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, एक तरह का इंटरेक्टिव सेशन है जहाँ लोग आके बताएंगे कि कैसे उन्होंने डिफरेंट काम किया स्वच्छ भारत पे, ठीक है। ये कहाँ पर लॉन्च किया, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति, ठीक है। वैसे गंदगी मुक्त भारत क्या है, एक तरह का वीक लॉन्ग कैंपेन है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, अगस्त 8 से लेके इंडिपेंडेंस डे तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हैव ए स्पेशल स्वच्छता इनिशिएटिव इन अर्बन एंड रूरल इंडिया टू इन्फोर्स जन आंदोलन फॉर स्वच्छता। इसमें क्या किया जाएगा, इस आंदोलन में स्पेशली इस वीक लॉन्ग में अर्बन और रूरल एरिया में स्पेशल काम किया जाएगा जो किस पे फोकस होगा, स्वच्छ भारत पे। तो आपको ये दोनों याद रखना कि दोनों किससे रिलेटेड है और ये गंदगी मुक्त भारत वीक कब चलाया जाता है। आई होप बेटा आपको इस चीज़ से कुछ नॉलेज मिला, कुछ ऐसे फैक्ट मिले होंगे जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में। आई होप आपको समझ लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।